प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 59 को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है इफ इतने प्लस इतने इज इक्वल टू टू, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, थोड़ा कैजुअल है। कैसे है इसको सॉल्व करने का तरीका? ये है कि जो पावर है ना, इसको अलग अलग लिख दो। और आपको पता है माइनस पावर जो है वो नीचे को आ जाती है, मतलब टू नीचे को आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। एक बार दिखा देता हूँ बस आपको, 2x ये है और नीचे 2 की पावर 1 ये है। इसे ऊपर को लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर माइनस का 1। पावर ऊपर जाकर ऐसे प्रोकल हो जाती है और बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है 2x माइनस का 1। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास 2x माइनस का 1 है तो ऑन द स्पॉट आप ये लिख सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस प्लस लगाएं, ये 2 और नीचे 2 की पावर x, ऐसे 2 की पावर 2x से करके 2 की पावर 2x और इज इक्वल टू में 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको एक काम कर लो, मैं 2 की पावर 2x को लेट अस सपोज कि t मान रहा हूँ, तो आपके पास ये हो जाएगा t प्लस 2 प्लस 2 अपॉन t इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल हो गया। एलसीएम ले लोगे तो 2t हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 4 और ये हो जाएगा 4t। इसे इधर को लेकर आ जाओ तो ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टी माइनस 2 का होल स्क्वायर? देखो आप, टी स्क्वायर इसे 4 को कह सकते हो प्लस 2 का स्क्वायर, और इस माइनस 4t को कह सकते हो 2 इंटू 2t और इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये नहीं दिख रहा कि टी प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, तो आप इसको कह सकते हो टी प्लस 2 का और टी माइनस 2 का, क्योंकि माइनस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टी माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और t की वैल्यू आपने क्या मानी थी? 2 की पावर x, तो 2 की पावर 2x मानी थी, तो ये हो जाएगा 2। अब ये मैं 2 की पावर यहाँ पर कह सकता हूँ 1। अब देखो दोनों तरफ कंपेरिजन करो, 2 की पावर 2x बराबर है 2 की पावर 1 के, तो ये चीज़ें तभी इक्वल हो सकती हैं जब इनकी पावर्स भी इक्वल हो। तो कंपेयर करने पर आपको मिलेगा कि 2x जो है 1 के बराबर है, और यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5, 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी बनते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, नो डाउट, इजी होते हैं, आपने समझ लिया। थैंक यू।